शराब पी जाओ यहाँ से। हाँ। मैंने कोई शराब नहीं पी। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता। जाओ यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब तुम जा रहे हो कि नहीं? अब प्लीज गो। मिल गया तुम्हें अपने प्यार का जवाब? मिल गया? अब कान खोल कर सुन लो जिया। आई नीड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। या तो तुम इस शहर छोड़ दो या तो मैं अप्पू को इस शहर से बाहर भेज दो। उसे समझो बेटा, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरी जिंदगी है ना, मेरी सच्चाई ये है कि आप मेरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरी भलाई के लिए? मेरी भलाई के लिए? गाड़ी मुझसे क्या हो गया? मेरी जिंदगी है ना, मेरी सच्चाई ये है कि आप मेरी लाइफ बर्बाद करें। मुझे शर्म आ रही है कि आप कितना गिर सकते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर। मेरी भलाई के लिए? मेरी भलाई के लिए? आज के बाद मैं आपका बेटा नहीं। तय सच तो यह है कि आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। ना ही आपने अपने वाइफ से प्यार किया था और ना ही अपने बेटे से प्यार करते हैं। आप मेरे लिए मर चुके। यू आर डेड फॉर मी। आज के बाद मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा। सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। रोने से क्या होगा आपको? संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। You'll be fine. सब मेरी गलती है।
बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं डब्बू की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन अगर हम लोग यहां रहेंगे तो यही सारी बातें दिमाग में आती रहेंगी। इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि थोड़े दिन के लिए हम लोग बाहर चले जाते हैं, नहीं घूमने जाते हैं। अब कहां जाएंगे ये तुम लोग तय कर लो। मतलब तुम लोग मेरी इस बात से सहमत हो ना, तो ठीक है कल सुबह ही निकलते हैं। साधना तुम सामान बांधने की तैयारी करो, बाकी व्यवस्था मैं देखता हूं। बेटा मीतू। जी पापा। बेटा मेरी वो फोन डायरी लाना, मैं लोनावला में एक कॉटेज बुक करता हूं। जी पापा। करण सेठ को अचानक यहाँ पे क्यों लाया गया? क्या ये एक्सीडेंट है या बहुत दिन से बीमार थे वो? बताइए सर। उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। गाड़ी आप चला रहे थे या वो चला रहे थे बताइए? ये सच है कि वो नशे की हालत में थे और नशे की हालत में ड्राइव करते हुए उनसे हादसा हुआ? क्या इनके पीछे किसी विरोधियों का हाथ है या ये किसकी साजिश है या फिर उन्हें मारने की कोशिश की गई है? बताइए सर, बताइए, आपको जवाब तो बोलिए सर, जवाब दीजिए सर, कुछ तो बोलिए सर, बोलिए सर, प्लीज जवाब दीजिए सर, बोलना पड़ेगा। आखिर ये सब कैसे हुआ सर? देखिए उनके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं। क्या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था सर? क्या हुआ था सर बताइए सर? एक्सक्यूज मी तो बोलिए सर। देखिए ये वक्त इन सवालों का नहीं है। एक बेटे के सामने उसका बाप जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप सब उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। प्लीज प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए अभी आपने कहा कि वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, क्या मामला इतना सीरियस हो गया है? हम आपसे बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। यहाँ और भी मरीज हैं जो इस सब शोर से परेशान हो रहे हैं। प्लीज मैंने आपसे कहा ना कि हम थोड़ी देर बात बात करेंगे। नो प्लीज जवाब तो देना ही पड़ेगा। आओ बैठो यहाँ पे। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ बापू, अभी कुछ मत सोचो, बस अपनी आंखें बंद करो, पूरी रात जागे हो तो। अरखा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले जी अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, फिर जब मैं घर गया तो डैड ने उसके खिलाफ पता नहीं क्या कहा, और जब मैंने अपना गुस्सा दिखाया तो ये सब। अरखा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। लाखों दिलों के चाहते हिंदी सिनेमा के चमचमाते तारे करण सेठ आज इस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उन्हें हुआ क्या है ये ना तो हॉस्पिटल की किसी अथॉरिटी ने कुछ कहा है और ना ही उनके बेटे ने इस बात का कोई जवाब दिया है, लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है। आइए आप और हम मिलके उनके लिए दुआ करें, जैसे ही हमें उनके बारे में कोई जानकारियां मिलेंगी हम आपको बताएंगे। तब तक आइए देखते हैं करण सेठ का अब तक का फिल्मी सफर। आपको सब ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। तुम चाहो तो एक बार जिया को फोन कर लो। नहीं कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगी। जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है तो वो अपना टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करेगी? बरखा तुम उसे एक बार फोन तो करो, आई एम श्योर ऐसी सिचुएशन में वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास भागी चली आएगी। एक बार फोन करके तो देखो, शी स्टिल लव्स यू। यू नो व्हाट अपू, अब तक तो ये न्यूज टीवी चैनल्स पर भी आ गई होगी, सब जगह यही डिस्कस हो रहा होगा। जिया को भी इस बात का पता चल गया होगा, वो बस तुम्हारे फोन का वेट कर रही होगी। प्लीज अपू फोन करो ना उसे, आई एम श्योर कि वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास भागी चली आएगी। ट्रस्ट मी अपू, यू नीड हर, डोंट यू? Are you sure?
और कब? हेलो हेलो महेश अंकल, मैं अप्पू बोल रहा हूँ। अरे अप्पू बेटे, कहाँ हो तुम? चलो अच्छा हुआ तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। मैं तो चिंता कर रहा था कि पता नहीं कहाँ हो तुम, किस हाल में हो। सब ठीक तो है बेटा? अरे अप्पू बेटे, ऐसे चुप मत रहो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंची है, तुम डब्बू के लिए परेशान हो गए। पर अप्पू बेटे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं थोड़े ही दिनों में तुम देखो डब्बू के अंदर बदलाव जरूर आएगा। अंकल इनफैक्ट वो जिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अभी क्या है, डब्बू थोड़ी उलझी हुई है ना। जी अंकल, मैं जिया से बात कर सकता हूँ प्लीज? क्या है अप्पू बेटे, वो डब्बू तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती, जो बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो हमें। जिया, क्या तुम एक बार मुझसे मिल सकती हो प्लीज? बस एक बार, अभी। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, ना अभी ना कभी, समझ गए तुम? जिया प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम अभी यहाँ पर आ जाओ। तुम्हें सब मेरी जरूरत है, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो अप्पू? तुम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते हो अप्पू? तुम्हें इस वक्त मेरी जरूरत है इसलिए मैं आऊँ। नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं आऊंगी। जिया प्लीज, जिया तुम जानती हो मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, और अभी तुम ऐसे बातें कर रही हो, क्यों? तुम चाहे जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हो मैं नहीं आऊंगी। मैं क्यों आऊँ अप्पू, क्यों आऊँ मैं? समझ गया जिया, सब समझ गया, तुम मुझे तड़पाना चाहती हो, तुम मेरे दिल और इमोशन से खेलना चाहती हो, पर क्यों? सब कुछ क्यों कर रही है जिया, वाह है? देश में जगह जगह उनकी सलामती के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। जिसे भी पता लगता है वो हैरान रह जाता है और उसके मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं कि हे भगवान, उन्हें हमारी उम्र लग जाए। क्या हुआ? ये तैयारियां हो गई ना? अरे हम तो तैयार हो गए हैं, जाएंगे कहाँ? बस टैक्सी आ गई है, थोड़ी देर में निकलते हैं। और सारी चीजें रख दी ना? नहीं तो वो तुम्हें वो बिस्तरी पानी का इंतजाम कर दिया बेटा? हमारी उम्र लग जाए। करण सेठ लालवानी सिटी हॉस्पिटल में, करण सेठ की हालत में कोई सुधार नहीं। चलो चलो साहब, चलो मीतू लाओ 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 लाओ। नहीं बीजी मिलने नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। क्या ये महेश भी? चल 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 डब्बू आ जा। जिया बेटा सब तैयारी ठीक कर लेना, साधना बेटा सब बंद कर दिया ठीक से? हाँ बीजी सब बंद कर दिया। चलो बातों में वो टीवी रह गया, टीवी बंद करके आती हूँ मैं एक बार। हाँ, हाँ, आप लोग जाओ मैं बंद कर दूँ। अच्छा चल ठीक है। अरे सुन, ये वो चाबी ले ले, टीवी बंद करके बाहर आएगी ना तो दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। देगी तो चला। हमने उनके बेटे अपूर्वा सेठ से बात करने की बहुत कोशिश की पर लगता है कि वो बहुत भारी सदमे में है, उन्होंने हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को ध्यान से देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि करण सेठ के इकलौते बेटे अपूर्व सेठ हैं। अपने विश्वसनीय सूत्रों द्वारा हमें ज्ञात हुआ है
कि करण सेठ का यही इकलौता बेटा उन्हें बड़ी ही गंभीर हालत में अपनी कार में यहाँ तक लेकर आया। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम अभी यहाँ पर आ जाओ। कहाँ रह गई डब्बू? वो अंदर। अरे डब्बू इतनी देर क्यों लग रही है? टीवी बंद करने में इतनी देर लगती है? पर हम सब तब से तैयार हैं बेटा, पर तू यहाँ टीवी देख रही है? अरे बेटा टीवी में ऐसा चलूंगा डब्बू को, चाहे कितनी ही पुलिस क्यों ना हो, कितनी ही सिक्योरिटी क्यों ना हो, मैं डब्बू को हर हाल में अप्पू से मिलवाऊंगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आपको दो बॉटल की जरूरत है, राइट? है, लेकिन आप सिर्फ एक ही यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हो, बाकी का किसी और से लेना होगा। Are you mad? आप जानते डैड की हालत कितनी खराब है, और अभी अभी आपने कहा कि बी नेगेटिव ब्लड बहुत रेयर है, राइट? हम क्या करेंगे? लुक नर्स, आप मुझसे जितना ब्लड लेना चाहती ले लीजिए, लेकिन आप मेरे डैड को बचा लो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो, यू ट्राई अंडरस्टैंड। Calm down. तो बरखा, इसे कहो कि ये तुरंत यहाँ से चले जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। सिस्टर, कुर्बानी की, I'm just relax. आप सिर्फ 4 बजे से 6 बजे के बीच विजिटिंग आवर्स में ही पेशेंट से मिल सकते हैं, ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं। ये अच्छा है, किसी की जिंदगी से ज्यादा आपको अपने नियम प्यारे हैं। मैं आपको कब से समझा रही हूँ, आपसे मिलने से कर रही हूँ कि मेरा अप्पू से मिलना जरूरी है, लेकिन आप सुनिए नहीं रहे। मैं तो अप्पू से मिलूंगी, देखते मुझे कौन रोकता है। मैम प्लीज चिल्लाइए नहीं। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? आप तो यहाँ खड़े खड़े अपने नियम समझा रही है मुझे। आपको आपको पता भी है वहाँ अप्पू के दिल पर क्या बीत रही? उसे मेरी जरूरत है। अगर आपने भी मेरी तरफ प्यार किया होता ना, तो अभी नियम नहीं समझाती मुझे। देखिए, आप जबरदस्ती करेगी तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। एक मिनट, हम भी सरकारी आदमी हैं, नियमों का पालन करते करते हमारी जिंदगी गुजर गई। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो सरकार भी नियमों में ढील देती है। संसद भी मानवता की भलाई के लिए कानून बदल देती है, समझिए आप। तो आप उनके पास जाइए जो हॉस्पिटल चला रहे हैं।
उनसे कहिए कि नियम बदले, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप तो अड़ियल घोड़ी की तरह एकदम अड़ी गई हैं, बात समझना नहीं चाहती हैं। आपने मुझे अड़ियल घोड़ी कहा? हाँ, कहा है। आप कुछ भी कह रहे हैं? अरे वो चली गई, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर बी नेगेटिव ब्लड मिलना बहुत मुश्किल, आप प्लीज अपने सोर्स से कुछ अरेंज करवाइए। देखिए हमारे पास सिर्फ 6 बोतल थी और हमने 6 के 6 बोतल मिस्टर करण को लगा दी, एक बोतल इन्होंने डोनेट की। अब आपको एक बोतल कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी। अब भी नेगेटिव ब्लड का इंतजाम कैसे करूंगा? कैसे मिलूं उससे मैं? कोई मुझे मिलने नहीं दे रहा, कोई मेरी बात भी नहीं सुन रहा। अगर इरादे मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्यार करने वालों को ना आज तक दुनिया रोक पाई है और अब रोकेगी। दहर मैं जिया से प्यार करता हूं, सच्चा प्यार। बस एक बार ना गुस्सा छोड़कर हमें आशीर्वाद दे दीजिए